फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ मेंसुरेशंस की शॉर्ट ट्रिक। तो मेंसुरेशन की जो शॉर्ट ट्रिक है, मैं सबसे पहले आयत से रिलेटिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए, अगर किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई में क्रमशः ए परसेंट और बी परसेंट को बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके लिए आपको ट्रिक ये है कि जो भी उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हुई है तो वो ए हुई है और उसमें बी हुई है। तो आपको ए प्लस बी दोनों प्लस कर देना और प्लस का चिन्ह लगा के फिर दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और बटे में क्या लिखना है आपको, 100। तो ये आपका फॉर्मूला, इसके हेल्प से आप प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं। और अगर कमी दी रखी है, यानी किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः ए परसेंट तथा बी परसेंट घटा दिया जाए तो कमी के लिए यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। बाकी फॉर्मूला पूरा एज इट इज रहेगा। अब दूसरा को सूत्र ये है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से किसी एक को ए परसेंट बढ़ाकर और दूसरे को बी परसेंट घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि, ये दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगाना है ना। अब देखिए, यहाँ पर सोल्व होकर अगर प्लस चिन्ह आता है तो वो कहलाएगी प्रतिशत वृद्धि और माइनस चिन्ह आता है तो वो कहलाएगी प्रतिशत कमी। तो चलिए अब हम करते हैं इनसे रिलेटिव क्वेश्चन। ये है आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई को 30% से तथा चौड़ाई को 40% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके लिए पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा ये वाला, इसमें ए और बी की वैल्यू डाल देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछी है, उसकी लेंथ में ए परसेंट वृद्धि हो रही है और ब्रेथ में बी परसेंट, यानी लंबाई में ए परसेंट की वृद्धि है, चौड़ाई में बी परसेंट की, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना। अब देखिए, यहाँ पे हम जो है ए और बी की वैल्यू रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30%। तो ए की मैंने क्या जगह रख दिया, 30, और बी की जगह कितना रख दिया, 40, और जहाँ भी ए है वहाँ पर 30 और बी की जगह 40, यहाँ पर गुणा है तो इनको गुणा कर दिया, बटे में क्या लिखा मैंने, 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कर देता हूँ सॉल्व। अब यहाँ पर 30 और 40 हो गए 70, और ये इसे 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये बता 3 चौक 12, यानी कि आ गया 82%। तो इसका आंसर कितना आया, 82%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई को 20% तथा चौड़ाई को 5% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। तो आप, मैंने बताया था आपको कमी के लिए आपको क्या करना है, इसी में जहाँ प्लस है उसमें माइनस का चिन्ह लगा देना। तो मैं इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ। यहाँ देखिए, कमी के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे जो ऊपर प्लस था यहाँ पे मैंने माइनस चिन्ह लगा दिया। अब देखो, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत आयत की लंबाई 20% से 5% कम कर दिया जाए तो कमी के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 20% और ये यहाँ जाएगा 5%, और यहाँ 20 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 ये सॉल्व करेंगे, 1 0 से 0, 5 2 10 और 2 से 2 कट गया, तो 20 और 5 हो गए 25, 25 में से 1 माइनस कर देंगे आ गया 24, तो इसका आंसर कितना आ गया, 24%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 40% कम कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था पहले वाला, यहाँ पर तो जहाँ पे ये प्रतिशत वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह लगेगा यहाँ पे, और कमी के लिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और फॉर्मूला यहाँ पे माइनस चिन्ह ही लगाना आपको। जब पूरा ओवरऑल सोल्व होकर अगर प्लस आता है तो वृद्धि होगी, और ओवरऑल सोल्व होकर माइनस आता है तो प्रतिशत कमी होगी। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इसी फॉर्मूले को नीचे, और फिर इसको क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी, ये तो सॉल्व होने के बाद मालूम चलेगा कि कमी हुई या वृद्धि हुई। तो मैं ए और बी की वैल्यू रख रहा हूँ, तो यहाँ पे 20% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब पॉजिटिव रखना है हमें। ठीक है, और 40% कम कर दिया जाए तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर मैंने देखिए माइनस चिन्ह लगा दिया। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दिया, यहाँ पर ए की जगह फिर वही करा मैंने 20, और बी की जगह रखा मैंने 40, और बटे में रखा 100। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 0 से 2 0 कर दिया, तो ये बचा माइनस का 20 और ये हो गया 2 चौक 8, यानी कि ये देखिए माइनस में आ रहा। तो मैंने बताया था आपको अगर माइनस में आता है तो ये हमें क्या शो करेगा, कमी को, और प्लस में आता है ये पूरा सोल्व होके तो ये कमी शो करता है वृद्धि को। तो इसका मतलब इसमें जो है क्षेत्रफल में 28% की कमी हो गई। अगर प्लस चिन्ह आता तो हम कहते हैं कि 28% की वृद्धि
हो गई। तो अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक को समझते हैं। ये सब मैं आपको करा रहा हूँ व्रत से रिलेटिव क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा कि आयत में है और इसमें आप व्रत में। व्रत में क्या होगा, उसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी और कमी होगी। तो इसमें लिखा देखिए, यदि किसी व्रत की त्रिज्या व्रत दे रखा हो या वर्ग दे रखा हो या वर्ग या समबाहु त्रिभुज कि किसी एक भुजा को, देखिए वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की भी सभी भुजा बराबर होती हैं और जो व्रत होता है उसकी भी त्रिज्या आर ही होती है। तो इन तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है कि अगर उसकी भुजा को जो है 1% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर व्रत दे रखा तो हम त्रिज्या आर ले लेंगे और हमें वर्ग या समबाहु त्रिभुज दे रखा तो उसकी भुजा को हम ए ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं चलो त्रिज्या ही मान लेता हूँ। ठीक है, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लाल रंग का बटन है इसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। बराबर में एक घंटे का बटन भी होगा, आप उसको भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, देखिए अगर वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए आर है तो 2R प्लस के आर स्क्वायर अपॉन 100। तो इसे आप पहले वाले से भी कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर अलग अलग साइड थी। देखिए यहाँ पे तो ए प्लस बी था, अब यहाँ पे चूंकि सेम हो गई तो ए प्लस ए यानी कि आर 2R हो गया और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई की हमने यानी आर इंटू आर ये हो गया आर स्क्वायर। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो पहले था, बस उसी के हिसाब से हमने इस फॉर्मूले को कर लिया है। और अगर कमी होती है तो देखिए अगर त्रिज्या में क्या है आर परसेंट की कमी होती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे। यही फॉर्मूला मैंने बना दिया। तो जैसे वहाँ फॉर्मूला था बिल्कुल सेम वैसा ही फॉर्मूला यहाँ भी है। तो चलिए अब हम देखो इसको क्वेश्चन को, इस पर रिलेटिव क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो प्रतिशत वृद्धि हमें इसमें निकालनी है। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि 2R अपॉन आर स्क्वायर प्लस 100। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह लगाया, 12% वृद्धि होती तो R के स्थान पे यहाँ पे मैं 12 रख देता हूँ। देखिए मैंने 12 रख दिया और यहाँ पे 12 का स्क्वायर बटे 100। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ तो 12 दूनी होते हैं 24, 12 का वर्ग होता है 144 बटे 100। 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ चूंकि 2 0 हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे और इसको इसमें प्लस कर देंगे, यह आ जाएगा 25.44%। ये इसका हो गया आंसर। तो कितनी वृद्धि हो गई, ये हो गई। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, एक बार की भुजा को 16% कम कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो कमी के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो पहले मैं सूत्र लिखता हूँ। देखिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, तो कमी के लिए यहाँ माइनस लगा दिया और वर्ग की भुजा मैंने मान ली ए। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा हमें दे रखी है, प्रतिशत कमी दे रखी है, भुजा में 16% कम कर दिया जाए तो यहाँ पे ए के स्थान पे 16। तो यहाँ ध्यान देंगे कि मैंने त्रिज्या वृत्त के लिए लिया था, वर्ग की भुजा के लिए ए ले लिया है तो इसमें 16% कम कर दी जाए तो ए की जगह कितना है 16, यहाँ पर रख देंगे 16। तो यहाँ तो वर्ग के लिए मैंने ए लिखा है और त्रिज्या के लिए क्या लिखा था, आर लिखा था, जिससे आपको थोड़ा सा अंतर मालूम रहे। तो 16 दूनी 32 और ये 16 16 होते हैं 256। तो 256 और यहाँ पर 100। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे 2.56। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 29.44। ये हमारा आ गया आंसर, यानी ये हो गई वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। तो इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वैसे अगर हम डिटेल से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। अब देखिए अगली ट्रिक क्या है, इसमें क्या होता कि अगर आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से किसी एक को 1% बढ़ा दिया जाए, यानी दोनों में से किसी 1% को बढ़ा रहे हैं, एक भुजा को बढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए उसकी दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो इसके लिए मान लीजिए जो वृद्धि कर रहे हैं वो 1% कर रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला आप ये लगाएंगे ए अपॉन 100 प्लस ए इंटू, और अब अगर कमी कर रहे हैं देखिए दो भुजाओं में से किसी एक को 1% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए उसकी दूसरी भुजा में प्रतिशत
वृद्धि, तो इसके लिए यहाँ पर जो है प्लस की जगह केवल माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे। तो इन पर रिलेटिव देखिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम समझेंगे, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाया जाए, तो ये उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो यहाँ पर देखिए क्या कराया जा रहा है, लंबाई को बढ़ाया जा रहा, तो जब लंबाई को बढ़ाया जा रहा क्षेत्रफल बढ़ेगा, लेकिन हमें क्षेत्रफल पूर्ववत रखना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। तो कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा उसके लिए हम देखिए यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, चौड़ाई में प्रतिशत कमी a अपॉन 100 प्लस a इंटू 100। अब यहाँ पर देखिए चौड़ाई में कितनी, लंबाई में कितनी, यानी कि आयत की जो लंबाई है तो आप चौड़ाई में कमी पूछी है, तो लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही, 20%। तो a की जगह हमने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ a है उसके स्थान पर मैंने लिख दिया 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमें 20, ये हो गया 120। अब यहाँ पर देखिए जीरो से जीरो कट गया, और इसे और सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 12 और 4 5 20, तो 10 5 50/3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 16 सही 16 3 48 और 2 50, 16 सही 2/3%, ये इसका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन है कि किसी आयत की चौड़ाई में 30% कम कर दी जाए, चौड़ाई ये कर दी जाए 30% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो हमें कि लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, मैंने फॉर्मूला ये लिख दिया है ए अपॉन 100 माइनस ए, यानी कि यहाँ पर देखिए जो पहला फॉर्मूला था यहाँ पर मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था, प्लस ए अपॉन 100 प्लस माइनस ए, यानी कि आपको क्या करना, अगर लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, एक में वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस चिन्ह लगा देना, कमी कर रहे हैं तो माइनस कर देना। तो जब एक में हम वृद्धि करेंगे तो दूसरे में हमें कमी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखिए, हम 30% कम कर रहे हैं, तो जब कम कर रहे हैं तो इसकी जो चौड़ाई में 30% कम कर रहे हैं तो लंबाई में वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी तो क्षेत्रफल समान रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 30%, तो एक स्थान पर मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर 30 रख दिया, और ये 100 माइनस 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसको सॉल्व करेंगे, 170 बचे और यहाँ पर 100। अब देखिए यहाँ से इसको जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया 300 को अगर हम 7 से भाग दे देंगे, 300/7, और यहाँ पर देखिए 300 को जब हम 7 से लिखेंगे, इसको बटे के रूप में लिख देते हैं, तो बटे के रूप में आएगा 42 सही 6/7%। तो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 42 सही 6/7%। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक है, यदि ए सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, यानी वर्ग से रिलेटिव ये ट्रिक है, यदि ए सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक्स सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल के लिए हमें जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इस ट्रिक को आपको रखना। तो फॉर्मूला ये है 4x into a+x, तो ये तो तब लगाना है जब आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना बाहर की ओर, और अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है अंदर की ओर तो यहाँ पे जो प्लस है इसके स्थान पे हम बस माइनस कर देंगे। तो अंदर की ओर निकालना तो ये अलग फॉर्मूला लगाएंगे, और बाहर की ओर लगाना निकालना तो ये अलग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार वो पढ़ लीजिए, यदि ए सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक्स सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या देखिए ए भुजा और एक्स सेंटीमीटर चौड़ा क्या रास्ता है, तो उस रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो ये अलग फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, और अंदर की ओर क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का अंदर की ओर क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, रास्ता अंदर की ओर है यानी एक्स सेंटीमीटर जो है वो, यानी भुजा में से एक्स जो है उसको कम कर देंगे, बाहर की ओर है तो भुजा में एक्स जोड़ देंगे, अंदर की ओर है तो भुजा में से एक्स माइनस कर देंगे। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो इससे हम देखिए क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है एक वर्गाकार मैदान की भुजा 80 मीटर है, ठीक है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। आप चारों ओर 5 सेंटीमीटर का, तो बाहर की ओर है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, रास्ते का क्षेत्रफल बाहर की ओर, तो क्या 4x(a+x)। ठीक है, जब बाहर की ओर है रास्ता तो भुजा में जो है हमें x को जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए भुजा कितनी 80 मीटर, तो हमें जो x है यानी जो वृद्धि हुई है उसके स्थान पर 5 रख देना, और जो भुजा है उसके स्थान पर यहाँ पर 80 रख देना, तो और हमारा देखो आंसर आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 5 20 और 80, और ये हो गया 85, और इनकी हम आपस में गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 5 10 का 0, 2 8 16 और 1 17।
एक जीरो और लगा देंगे, इतने वर्ग मीटर। वर्ग मीटर लिख दो इसको, या मीटर का स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है, ठीक है, दोनों में से यूनिट। अब इसी में देखो एक क्वेश्चन दूसरा है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 40 मीटर है और अंदर की ओर है 4 मीटर चौड़ा रास्ता। पहले क्या था, बाहर की ओर था, अब क्या है, अंदर की ओर है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, बस क्या करना, माइनस कर देना। देखिए यहाँ तो रास्ता का क्षेत्रफल जब क्या है, जब अंदर की ओर है तो यहाँ पर माइनस कर देना। तो भुजा कितनी है यहाँ पर, 40 है, और कितने है रास्ता, कितना अंदर की ओर, वो है 4 मीटर। तो एक्स की जगह मैंने लगा दिया 4 और यहाँ पर है 40 मीटर। इसे देखिए सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 100, ये हो गया 36, इनके आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 576 वर्ग मीटर। तो अंदर की ओर रास्ता कितना हो गया, 576 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे देख लीजिए आप इसको, ठीक है। अब देखिए अब आपको बताते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक। अब देखिए यहाँ पे अगर वर्ग की जगह अगर बजाएं वृत्ताकार भाग, तो वृत्ताकार भाग के लिए क्या ट्रिक है कि अगर आर त्रिज्या के वृत्ताकार पार्क के चार ओर एक्स मीटर चौड़ा रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो अगर बाहर की ओर एक्स मीटर चौड़ा रास्ता है तो उसका लिए फॉर्मूला आपको लगाना ये वाला। देखिए मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पर, और ये फॉर्मूला लगाना आपको पाई, वृत्त के लिए हमेशा वृत्त अगर का कोई भी फॉर्मूला तो उसमें पाई ज़रूर आता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना 2r + x, क्या है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पार्क, तो यहाँ पे आर जो है त्रिज्या है और एक्स क्या है उसकी ओर जो बाहर की ओर रास्ता है, ठीक है। तो पाई एक्स 2r + x इसमें चौड़ा, तो क्षेत्रफल ये निकालिए। और देखो अगर वो रास्ता बाहर की जगह अंदर की ओर है तो यहाँ पे जो है प्लस के स्थान पे बस हमें माइनस कर देना है। तो अब इस पर आधारित देखिए मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जरा क्वेश्चन इसको पढ़ लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक 14 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पार्क के चार ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर देखिए बाहर की ओर तैयार किया गया है, तो कौन सा वाला, प्लस वाला फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, रास्ते का क्षेत्रफल पाई एक्स 2r + x, क्योंकि रास्ता बाहर की ओर है इसलिए प्लस लगाया यहाँ पर, और वहाँ अंदर की ओर होता तो माइनस लगाते। तो यहाँ पर देखिए पाई की जगह रख देंगे 22/7, और x कितना रास्ता है बाहर की ओर 3.5, तो इसकी जगह देंगे 3.5, और ये 2 r की जगह है त्रिज्या है 14 मीटर, तो r की जगह मैंने रख दिया 14, और ये x की जगह है यहाँ पर रास्ता 3.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 0.75 35, 22 होते हैं 110, ये आ गया। यहाँ पर देखिए 14 में 28, 28 3 हो 31, 31.5। अब 11 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 55 का 5, 11 और 5 हो गए 16, 11 33, 33 1 हो गए 34। कितने के बाद पॉइंट लगाना है, एक के बाद पॉइंट यहाँ पर लगा देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया वर्ग मीटर। आप जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था, रास्ता बाहर की ओर था, अगर रास्ता अंदर की ओर है तो फॉर्मूले में क्या लगा देना, यहाँ पे माइनस लगा देना। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 28 मीटर है, उसके अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ते का क्षेत्रफल क्या कीजिए। तो अंदर की ओर है तो मैंने क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला, रास्ते का क्षेत्रफल पाई एक्स, और यहाँ पे 2r प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे फिर वही काम करना, हमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू यहाँ पर हम देखिए पुट कर रहे हैं, तो पाई की जगह वैसे रखेंगे जैसे हमने ऊपर रखा था 22/7, एक्स की जगह कितना है, कितना रास्ता है 7 मीटर चौड़ा अंदर की ओर है आपके यहाँ, तो 2r त्रिज्या कितनी है यहाँ पे 28 मीटर, तो r की जगह मैंने क्या रख दिया 28 रख दिया, और ये 7 रख दिया। आप सॉल्व कर लेंगे, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा 22, और यहाँ पे 28 2 56 56 में 7 गए 49, और 49 की हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1078 वर्ग मीटर। अब देखिए अगली ट्रिक को हम समझते हैं। अब देखिए पहले आया था वर्ग, फिर आया है वृत्त, अब तीसरे नंबर पे हमारा आया है आयत। अगर एक आयताकार पार्क की लंबाई L, चौड़ाई B और उसके चारों ओर x चौड़ाई का एक रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसके लिए फॉर्मूला हमें ये लगाना है 2x L + B। देखिए अगर आपने मेरा बेसिक वाली वीडियो देख ली तो आपको जो है ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फॉर्मूलों को भी अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते हो, एक बार ज़रूर आपको करके देखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने 2x L + K B + K
2x। अब यहाँ पर देखिए, अगर वो रास्ता अंदर की ओर बना है तो यहाँ प्लस 2x की जगह क्या लगा देंगे हम, माइनस का 2x लगा देंगे, बस इतना अंतर है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही रहेगा। अगर वो रास्ता अंदर की ओर है तो यहाँ प्लस के स्थान में क्या लग जाएगा, माइनस की ओर लग जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस पर मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर और 20 मीटर है, चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ पूरा, देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया, रास्ते का क्षेत्रफल 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस के 2x। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे लंबाई कितनी 30, और बाहर की ओर जो रास्ता है वो कितना 2 मीटर चौड़ा, तो यानी x यहाँ पर जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, लंबाई है रास्ते की 30, तो यानी l बराबर दे रखा है यहाँ पर 30, चौड़ाई है यहाँ पर 20, तो इसके स्थान में 20 रख देंगे और 2x रहेगा, और रास्ता कितना है 2 मीटर, तो यहाँ पे हमने 2 रखा। देखिए मैंने ये सारी वैल्यू पुटी यहाँ पर कर दी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 30 20 50 और 54 आ गया सॉल्व होकर। अब 54 की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा 216। कितना आ गया आंसर, 216। 216 वर्ग मीटर, तो ये वर्ग मीटर। अब देखिए इसी में जो है आप एक कमी वाला क्वेश्चन बता देते हैं। देखो क्वेश्चन, इसको ध्यान सुनो कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 120 मीटर तथा चौड़ाई 100 मीटर है, तो इसके अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा, बस आपको क्या करना है यहाँ पर इस प्लस के स्थान पर क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और इसके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए तो चैनल का जो लाल रंग का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपके जो मित्र हैं उनको व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर भी कीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए आप SP मैथ्स चैनल पे बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।